होंगे तो दोस्तों जल्दी से आ जाइए लाइव। सभी को स्वागत है आपका एक बार फिर से साई कॉमर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चले। ठीक है दोस्तों, आ जाओ फटाफट सभी। हेलो, आवाज आ रही सभी को? हाँ आवाज आ रही, ठीक है ठीक है दोस्तों, ठीक है। हेलो शहजादी, हेलो निशा, नीतू, ज्योति, मानिक, सारिका, रवि, रिया, सहजादी, ठीक है दोस्तों। फटाफट आ जाइए सभी। गुरुप मोर बोलते हुआ सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं हायर एजुकेशन का टेस्ट, ठीक है। नमस्ते अनुराधा जी, आज हम करने वाले हैं आपका हायर एजुकेशन, ठीक है। ओके जल्दी से आ जाइए, अब मैं आपको जरा क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। फटाफट आ जाए दोस्त, कितने आ गए दोस्त? फटाफट 11, 10 आ गए। जल्दी से आए फटाफट सभी, मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके हेलो कृष्णा, कैसी हैं आप? अटेंडेंस लगा दो भैया, ठीक है। आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ये शताक्षी कहाँ रह गई? शताक्षी कहाँ है? नीतू जरा दोस्तों को बुला लाओ अपने। आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। आ गई शताक्षी, चलो मैं 1 मिनट से जरा बंद कर दूं वरना तुम्हारे मुंह पे आती रहेगी, ठीक है। ओके ओके पढ़िएगा भाई। बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम या नई तालीम है क्या? कंपलसरी एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वर्धा एजुकेशन प्लान या सर्व शिक्षा अभियान? तारू का चल नहीं रहा यूट्यूब, अच्छा कोई बात नहीं। ओके लगाइए फटाफट। अनदर नेम ऑफ बेसिक एजुकेशन और नई तालीम, ठीक है अनुराधा, कृष्णा, सहजारी जरा ध्यान दो। हाँ, नीतू ठीक है, मानिक, कृष्णा ठीक है, और बताओ, ज्योति ठीक है आपका, रिया ठीक है, रवि बताओ फटाफट कौन सा होगा। बिल्कुल ठीक है सहजादी, मोहित शर्मा कैसे हैं आप? ठीक है सारिका। ओके फटाफट आ जाओ यार, जल्दी से आ जाओ। हाँ ओके ओके शताक्षी, ठीक है। अनदर नेम ऑफ बेसिक एजुकेशन और नई तालीम इज वर्धा एजुकेशन प्लान, टॉप में दिया है। हाँ कोई बात नहीं, बढ़िया ठीक है, मैं देखा नहीं। फर्स्ट का आपका सी, ठीक है वर्धा एजुकेशन प्लान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, पढ़िएगा। हाँ ये आपका, हाँ ये लगाओगे, ये आपका उसका है पॉलिटी का। भारत में एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है? बड़ो लगाओ फटाफट। इन इंडिया ए पॉलिटिकल पार्टी, वैसे आते नहीं है क्वेश्चन आपके, लगाओ लगाओ, नहीं लगाओ मना कर दो, आगे बढ़ जाऊंगा। पॉलिटिक आते नहीं है, अब सेकंड का लगा रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया अनुराधा, मानिक ठीक है आपका, सभी बताओ ठीक है, रिया, रिया, नीतू ठीक है, निशा ठीक है। हाँ कोई बात ना, शताक्षी देख लो, तुम्हारे भाई बंधु बता रहे हैं सब, ठीक है। सहजादी पढ़ना जरा ध्यान दो, ठीक है पढ़ना। सारिका का ठीक है, कोयल, कोयल, अरे वाह नाम तो बहुत अच्छा है, कोयल ठीक है आपका भी। कोयल पहली बार क्लास में आई हो? जो दोस्तों नए आए हो क्लास में, वो क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ डेली क्लास होती है, एक शाम को 4 बजे, एक रात को 9 बजे टेस्ट होते हैं। और यदि टेलीग्राम और व्हाट्सएप यूज करती हो तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, ठीक है। ओके सेकंड का आपका बी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया वाज
पॉपुलराइज्ड बाय, क्या भाई भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ, किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ? ए डी गोरवाला समिति 1951, या पॉल एच एपलवे समिति 1953, बी आर मेहता कमेटी 1957, या आपका अशोक मेहता कमेटी 1978। ठीक है कृष्णा, शहजादी, निशा, निधि, नीतू, ठीक है, पढ़ना, अनुराधा, सारिका, निशा, मानिक, कोयल, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल राजकुमार, ठीक है, रवि, ठीक है, ज्योति, रिया, पढ़ना, ठीक है। और बताओ सभी, क्या हुआ, नेटवर्क किसका गया, नेटवर्क किसका गया? ठीक है, बिल्कुल, कौन सी आपकी, बी आर मेहता कमेटी, ठीक है, कौन सी है, बी आर मेहता कमेटी भाई, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ? बी आर मेहता कमेटी 1957 के द्वारा। आ गई, अरे बहुत बढ़िया यार, धन्यवाद। हमारे जब गौरी मैया क्लास में पधारी, पढ़िए फोर्थ क्वेश्चन, पढ़िएगा भाई, विकासशील देशों में सरकार की भूमिका को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कारक जिम्मेदार है, कौन सी कारक जिम्मेदार हैं? ध्यान से पढ़ो, विकासशील देशों में सरकार की भूमिका को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? गुड इवनिंग प्रीति जी, कैसे हैं आप भाई, काफी दिन बाद दर्शन दिए। बताइए फोर्थ क्वेश्चन का, इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, और ये आपका, पढ़ो फटाफट। हाँ, ठीक है मेगा, ठीक है दोस्तों, अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दो, ठीक है। हाँ भैया, अपनी अपनी प्रेजेंट लगा देना, ओके, ठीक है, लगाओ सभी। फोर्थ का चल नहीं रहा तुम्हारा, अरे कैसे बताओ, ठीक है, थोड़ा बाहर को निकल जाओ, खेतन में को, थोड़ा खेतन में को बाहर निकल जाओ। गांव गई थी तुम भी, चलो ठीक है, फोर्थ का बताओ, फोर्थ, हाँ फोर्थ का क्या है आपका? फोर्थ का है ए, ठीक है, फोर्थ का है ए वाला, ठीक है ना भाई, ए में क्या है, ए एन डी, इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, और डी में आपका है कल्याण का राज्य की अवधारणा का उद्भव, ठीक है, एमर्जेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। हाँ भाई देखो, लोगों की बढ़ती उम्मीद हो गई, प्राइवेटाइजेशन होगा, निजीकरण, ये इसमें नहीं आया, ठीक है, फोन ऑफ हो गया था, कोई बात नहीं शताक्षी, फोर्थ का आपका ए है, ठीक है, ए एन डी, ध्यान से लगाते जाओ दोस्तों, काफी दिनों बाद हो रहा है, आज हायर एजुकेशन हो रहा है तो काली मैया गायब हो गई क्लास से। पढ़िएगा फिफ्थ, फिफ्थ पढ़िएगा, इन विच ईयर द यूजीसी वाज एस्टेब्लिश, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और सबको आना चाहिए। बताओ फिफ्थ का क्या होगा, सभी को आना चाहिए, सभी का जवाब आना चाहिए। ठीक है, मानिक, रिया, रवि, कृष्णा, ठीक है, सताक्षी, ठीक है, सारिका, नीतू, ठीक है, सहजादी, ठीक है आपका, मेघा, ठीक है, कोयल, ठीक है कोयल, ओके, ठीक है, ज्योति, नीतू, सहजादी, पढ़ना, चंद्रपाल सिंह, कैसे हैं आप, आ गए आप, चंद्र सिंह जी, चलो बढ़िया, अच्छी बात है, अनुराधा, ठीक है, कृष्णा, ठीक, अरे कृष्णा तो पूरी डेट लिख दी, ठीक है भाई, कौन सा आपका, 1953, अच्छा है, मुझे इसका एक्ट कौन बताएगा, एक्ट कौन बताएगा, एक्ट कौन बताएगा, एक्ट का ईयर कौन सा है यार, पानी पी लूं जरा, एक्ट का ईयर कौन बताएगा, एक्ट का ईयर, एक्ट का ईयर कौन बताएगा? बिल्कुल अनुराधा, सब बहुत बढ़िया, अनुराधा, कृष्णा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ पीछे चल रहा, निशा आगे बढ़ा लो, रेड लाइन को आगे बढ़ा लो, हाँ कृष्णा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, 1956 इसका एक्ट ईयर था, ठीक है, और इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1953, ठीक है। अच्छा कोयल कैसा लग रहा है आपको, कोयल कैसा लग रहा है, ठीक है, 1953, फिफ्थ का सी, ओके, पढ़िएगा सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन भाई, एमएचआरडी इंक्लूड, अब तो वैसे इसका नाम एमओई हो गया है, ठीक है, अब बताओ इसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड, डिपार्टमेंटल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, या आपका डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, या डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या आपका ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, अच्छी बात है कोयल,
ठीक है सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, और तू कहाँ गई, काली मैया कहाँ गई, काली मैया कहाँ गई, काली मैया की बहुत दिन से ख्वाहिश थी हायर एजुकेशन का टेस्ट हो। हाँ ठीक है निशा अनुराधा, ठीक है ठीक है पढ़ना सहजादी, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सारे सरकारी ऑप्शन है बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। हाँ ये तो हो सकता है सर, मेरा फर्स्ट पेपर बहुत। कोई बात ना कोयल, आराम से कर सकती हो यार, सब बच्चे आपके सामने हैं, देखो पूछ सकती हो इनसे, बातें भी कर सकती हो, ठीक है ग्रुप में आ जाओ इनसे पूछ लेना कैसे तैयारी करी है उन्होंने पहले पीछे एग्जाम में भी अभी, ठीक है भाई। MHRD में क्या इंक्लूड है, MOE की फुल फॉर्म कौन बताएगा, MOE जो अब हो गया नाम, बाकी इसमें सब चीज इंक्लूड है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, और आपका डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अच्छा MOE की फुल फॉर्म बता दो, फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। सेकेंड पेपर कौन सा है कोयल, देखो पूछ रहे हैं बच्चे। हाँ ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बहुत बढ़िया निधि, बहुत बढ़िया, नाइसली डन, ठीक है ठीक है। ओके 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 कृष्णा सताक्षी, ठीक है मानिक भाई बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, पढ़िएगा 7th क्वेश्चन, इंडियन सरकार द्वारा ठीक है अंटार्कटिक में शोध का आयोजन के लिए स्थापित रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है, रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है, दक्षिण गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरी गंगोत्री, या रन ऑफ द एबव। बहुत बढ़िया सताक्षी सर, कॉमर्स की क्लास, कॉमर्स क्लास लेंगे भाई, वो भी कराऊंगा बीच बीच में, अभी जरा थोड़ा फ्लो में आ जाऊँ क्लास, ठीक है चक्कर क्या है अभी मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ये है बिल्कुल। स्टार्ट करता हूँ कॉमर्स की भी। अच्छा आप कॉमर्स से हो, आकाश भाई बहुत बढ़िया आ गए आप, ठीक है आकाश पढ़ना, सहजादी ज्योति ठीक है, ओके ओके ओके। दोस्तों जरा अपनी अटेंडेंस लगा दो, ठीक है हाँ अटेंडेंस लगा दो, ओके 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 ठीक है। ओ बहुत बढ़िया कांग्रेचुलेशंस कोयल जी, आपकी से JRF होगा, कोई बात नहीं कोई बात ना, रवि सही हो जाएगा अभी, ठीक है आपकी से JRF होगा, लिख के जाइए कमेंट में JRF इज माइन, ठीक है भाई सभी लिख के जाया करो, ठीक है जो तुम्हारे जवान पे बोलोगे लिखोगे ठीक है वो आएगा सामने, ठीक है लिख के जाया करो यार। 7th का क्या होगा आपका, 7th का क्या होगा, 7th का A, ठीक है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है 7th का A, भैया कभी ना कभी सरस्वती बिराज जाती हैं, ठीक है इसलिए लिख के जाएगा क्या जा रहा है, अपने बारे में तो लिखना है, अपने बारे में तो लिखना है बिल्कुल होगा सताक्षी, लिख के जाया करो, हाँ बिल्कुल ठीक है। पढ़िएगा संसद राज्य सूची में, ये उसका है, लगा लोगे आगे बढ़ाऊं, ये हटाओ छोड़ो, ये तुम्हारे उसके पॉलिटी के एग्जाम में आते नहीं है अब, ठीक है फालतू झक मत मराओ इनमें, जो रेलेवेंट है वो पढ़ो। अब बताओ शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर वाले, हाँ पॉलिटिका है, केंद्रीय परिसर वाले विश्वविद्यालयों को कहा जाता है, किसकी बात कर रहा है, सेंट्रल कैंपस की बात कर रहा है, ध्यान से बताना है, भटकना कहीं नहीं है, डायरेक्ट अपने आंसर पर जाना है, सेंट्रल कैंपस की बात कर रहा है। ठीक है रवि सहजादी अनुराधा चंद्र, ठीक है आपका बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, माला रटो हरे राम है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है भाई। 9th का क्या होगा, आसमाने वाले काम करते हो, 9th का क्या होगा आपका, 9th का होगा A, ठीक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी भाई, यूनिवर्सिटी इज हैविंग सेंट्रल कैंपस फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन आर कॉल्ड, गुड इवनिंग दिशा जी, तो क्या होगा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। आइए आगे पढ़ते हैं, ठीक है हाँ बिल्कुल दिशा जी लगा, देख लिया मैंने आपका आंसर, ठीक है 9th का A है। मैनेजमेंट की भी क्लास लेते हो, हाँ बिल्कुल भाई मैनेजमेंट का भी सिलेबस हमारे कॉमर्स से मिलता जुलता है, बिल्कुल लेंगे, नेट क्वालिफाई हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में मैनेजमेंट से, बहुत बड़े साक्षी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भाई, हमारी दुआ है आपका JRF होगा आपकी से, बस आप तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, बहुत बढ़िया ओके। अरे चार्जिंग ले गया, पढ़िएगा 10th क्वेश्चन, पढ़िएगा विश्वविद्यालय जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से, बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन, विश्वविद्यालय जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, कौन सा है भाई, BR अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इग्नू, या आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, या अन्नामलाई विश्वविद्यालय। ठीक है ठीक है ठीक है मानिक,
मानिक निशा ज्योति शहजादी नंदिनी ठीक है मेघा आकाश बहुत बढ़िया रिया ठीक है। हाँ कोई बात ना सताक्षी कोई बात ना यार ऐसा इतना लंबे लंबे मत भाव ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है पॉजिटिव माइंड रखो पॉजिटिव हो जाएगा तुम्हारा संग ठीक है नेगेटिव की तरफ जाओ मत ठीक है। 10th का होगा भाई आपका बी ठीक है 10th का होगा बी इग्नू ठीक है भाई जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरेक्टिव शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है वो है इग्नू ठीक है। ओके भाई सबको पता है हाँ कह रहे ड्रामा ना करो यार ऐसे नहीं कहते हैं भाई ऐसा नहीं कहते हैं। पढ़िए 11th इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पुस्तकालयों के नेटवर्किंग के रूप में जाना जाता है किसे भाई अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दो। नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नोन एज क्या होगा अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो दोस्तों यार लगा दिया करो ठीक है ठीक है 11 का बताओ 11 का ठीक है नंदिनी ज्योति मेघा ठीक है आकाश ठीक है आपका भी नाइसली डन। हाँ ठीक है ओके ओके दिशा ठीक है रवि ठीक है अंशु अंशु जी अरे मैं तो डर गया मैंने कोई दूसरी अंशु आई है अच्छा उन्होंने इमेज चेंज कर दी अपनी ठीक है अंशु जी सही लगाया आपने ठीक है शहजादी सारिका रवि ठीक है हाँ ओके भाई कौन सा आपका इनफ्लिप नेट अच्छा इसकी फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे कौन है जो मुझे फुल फॉर्म बताएगा इनफ्लिप नेट इनफ्लिप नेट की फुल फॉर्म बताओ दोस्तों बताने की कोशिश किया करो पूरा के लिए जे यार कोई बात ना मानिक अब किससे होगा यार तुम्हारी प्रिपरेशन बढ़िया है प्रिपरेशन वो तो ठीक है इनफ्लिप नेट की फुल फॉर्म बताओ कौन बताएगा कोयल तुम बताओ कोयल रानी तुम बताओ कोयल रानी तुम बताओ हाँ बताओ फटाफट इनफ्लिप नेट की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क कोई बात नहीं अब देख लो तभी तो मैंने पूछी जानबूझ के क्या है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क ठीक है ओके कोई बात नहीं शहजादी सब हो जाता है ठीक है ओके क्रिस्टा इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क 11 का आपका ए है बिल्कुल मानिक बहुत बढ़िया आइए आगे बढ़ते हैं 12 पढ़ते हैं भाई। द हेडक्वार्टर ऑफ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इज सिचुएटेड इन महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है बताइए सेवाग्राम में न्यू दिल्ली में वर्धा में या अहमदाबाद में। अच्छा ये बताओ नेटवर्क किसका खराब हो रहा है नेटवर्क किसका खराब हो रहा है कौन कौन है नेटवर्क खराब जिसका हो रहा आ रहा है जा रहा है ठीक है। अरे कोयल जी जरा ध्यान से कोयल जी जरा ध्यान से हाँ कोयल जी जरा ध्यान से और कौन है हाँ ठीक है अंशु जी आपका ठीक है ओके मेघा ठीक है ठीक है हाँ, बिल्कुल ठीक है भाई कहाँ पर हुआ नहीं कहाँ पर है हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्धा में है ना बिल्कुल बिल्कुल ठीक है वर्धा में द हेडक्वार्टर ऑफ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इज सिचुएटेड इन पता नहीं वर्धा में ठीक है ओके बहुत बढ़िया आइए आगे बढ़ते हैं आज बच्चे कुछ कम आए हैं अभी 13 पढ़िएगा भाई मूल्य शिक्षा एक छात्र मतलब वैल्यू एजुकेशन मेक्स ए स्टूडेंट छात्रों कैसा बनाता है गुड सिटीजन बनाता है सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाता है पॉपुलर टीचर बनाता है या एफिशिएंट मैनेजर बनाता है कुशल प्रबंधक। हाँ, ठीक है अरे ये हिल क्यों रहा है ठीक है 13 का बताओ 13 का ठीक है और बताओ मानिक भाई बताओ फटाफट ठीक है सारिका मेघा सहजादी ज्योति नंदिनी ठीक है अरे नेटवर्क किसका जा रहा है नेटवर्क किसका जा रहा है ठीक है कोयल अरे कोयल 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 हाँ कोयल ठीक है ओके ओके मुझे लगा कुछ और लगाया ठीक है हाँ मानिक भाई बहुत बढ़िया देख लिया मैंने आपका भाई वैल्यू एजुकेशन मेक्स ए स्टूडेंट गुड सिटीजन ठीक है इन चारों से यही बनेगा गुड सिटीजन ओके
13 का आपका ए है। आइए इसको मैच करिए जरा, ये क्वेश्चन आया अभी अक्टूबर वाले एग्जाम में इसमें का। बताओ इसे पढ़ो और बताओ, यदि नहीं पता है तो नोट डाउन लगे हाथ कर लो, कॉपी पेन लेकर बैठो भैया, ठीक है। इंस्टीट्यूट देखो और उनका लोकेशन देखो, यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो लिख लो अभी। 8 से 10 लिखवा दूंगा आपको, 8 से 10 कम से कम, 4 ही आ गए आपके सामने, पढ़िएगा इनको और लोकेशन से मिलाइएगा, कोड आपके सामने है। थोड़ा जूम करूं, जूम करूं, लो जूम कर दिया, लो इसे हटा देना, उसका क्या काम है, लो अब देखो। लगाओ, अब तो दिख रहा है, अब मिलाओ, पढ़ो और मिलाओ। हाँ तो दे रहा है भाई चंदर भाई, अब दिख रहा होगा, अब बताओ फटाफट। बताओ 14 का, ठीक है कृष्णा मानिक, बहुत बढ़िया मानिक 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 मानिक, जरा ध्यान दो पढ़ना, ठीक है। हाँ शहजादी निशा, ठीक है, हाँ नीतो ठीक है, और बताओ रिया ठीक है आपका भी, ज्योति ठीक है, आकाश अंशु रवि दिशा, हाँ, मेघा ठीक है आपका, शताक्षी ठीक है, और बताओ। और बताओ सभी फटाफट। ठीक है ठीक है ठीक है, और बताओ सभी क्या हुआ। पढ़ लो आराम से पढ़ लो। प्रीति जी कहाँ चली गई थी अभी, बताएं 14 का। रिया जी का रहोगे, रिया जी, रिया बिटिया जरा देखो, अच्छा रिया ने डी लगाया, रिया जरा ध्यान दो, ठीक है। हाँ भाई हमें कैसे मैच करना है, सेम 14 का है ए, ठीक है। हाँ तो भाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश है ना एंड फॉरियन लैंग्वेज, ये आपका किससे मिलेगा, ए वाले में सेकंड से मिला रहा है, ठीक है, हैदराबाद में, ठीक है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय ये किससे जोड़ा आपने, फर्स्ट वाला चित्रकूट में, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर है ना तिब्बतन स्टडीज, ये किस में आपका जुड़ा, ये जुड़ा आपका धर्मशाला में, इग्नू जुड़ गया, न्यू दिल्ली से इग्नू का मिल रहा थर्ड से, ठीक है, इग्नू का मिल रहा थर्ड से, डी का थर्ड दो में है, ए और डी में छाटना था, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, हाँ, ठीक है ओके। 14 का आपका ए है, इनको लिख लो यदि जो बच्चों ने जवाब ना दिया हो, ठीक है दोस्तों, भाई ईमानदारी से चला करो, ईमानदारी से स्क्रीनशॉट लेते इसका। अभी बताओ कौन सा, विच वन ऑफ द इन न्यू दिल्ली, भाई नई दिल्ली में कौन सा स्थित नहीं है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल है ना रिलेशंस, या इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, या है ना एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अरे ये आपका डी, बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ओके, 15 का ठीक है ठीक है, हाँ, ये दिल्ली में नहीं है, ये आपका कहाँ है, शिमला में है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल शिमला में, ठीक है। कृष्णा निशा ठीक है आपका, नीतू ठीक है ठीक है ठीक है, अब याद रखें, ठीक है भाई, कहाँ पर है, दिल्ली में तो नहीं है, ये आपका कहाँ पर है, शिमला में, ठीक है। अभी आपसे पूछेगा आगे भी तो आपको बताना पड़ेगा। अनुराधा जी जरा ध्यान दीजिएगा, 61% ही हुआ है चार्जिंग फोन आपका, अरे यार मेरा भी चार्जिंग ना, तो मैं दिखाऊं इमेज, लो देखो देखो ये देखो कितना परसेंट दिखा रहा है, 33%, ठीक है यार, मैं हाथ में पकड़ा बैठा हूँ मोबाइल, मेरा चार्जर लूज हो रहा है इसमें, अब कल को चार्जर लेके आऊंगा दूसरा तब काम चलेगा, ठीक है। 15 का क्या आपका डी, ठीक है 15 का डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, ठीक है IIAS, 15 का डी। आइए आगे बढ़ते हैं, हिंदी में सर जी, भाई इनके नाम तो यार इंग्लिश में याद करो ज्यादा बेटर है, इंग्लिश में याद करो ज्यादा बेटर है, ठीक है यार, आपको GRF चाहिए तो यार इंग्लिश में करो ज्यादा बेटर है इनके नाम, ठीक है भाई, मेरी एक सजेशन है, आपकी फोन बैटरी स्ट्रांग है, कहाँ है स्ट्रांग, कहीं ना है, पढ़िए 16 पढ़िएगा भाई, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का तात्पर्य है स्वतंत्रता में है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी मेकिंग फाइनेंस या करिकुलम डेवलपमेंट, 16 का बताओ, 16 का, 16 का बताओ, 16 का, 16 का, हम हिंदी से ही हैं, अच्छा सालिका जी हिंदी से हैं, हाँ बताओ फट,
सुधाक्षी बताओ। अरे वाह, रामकिशन कैसे हैं आप? कैसे हैं भाई, बढ़िया हैं। टाइम के लिए आंसर ना दे पाऊंगी, थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ चली मेघा जी? चलो कोई ना कोई ना, अभी यहीं बैठी ना, ठीक है भाई? मोबाइल यहीं बैठा जाना अपना। ठीक है ठीक है ठीक है। और बताओ सभी भाई, अपनी अटेंडेंस दे देना, ठीक है? रामकिशन जी, अटेंडेंस कैसे होती है, लाइक कर दे करो, ठीक है? हाँ, ओके, अच्छा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, मैं बढ़िया हूँ। ठीक है, ध्यान से बताओ। ठीक है प्रीति, जरा ध्यान से दीदी, जरा ध्यान से, ठीक है प्रीति जी? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। कोयल, बहुत बढ़िया कोयल। कृष्णा, ठीक है। शताक्षी गई क्या? ओके भाई, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का तात्पर्य स्वतंत्रता में, किस चीज में? करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट। ओके 16 का डी। हाँ अच्छा, किसी और का दे रही है प्रीति? 13 का दे रही है प्रीति। रेड लाइन बढ़ाओ आगे, ये बीच में चली गई थी ना अभी कहीं, रेड लाइन आगे बढ़ाओ। हाँ 16 का डी। सताक्षी कहीं गई है ना अभी? हाँ, बता के गई थी। अभी पढ़िएगा 17 भाई। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई भाई कब? कब की गई? 1958 में, 1976 में, 1989 में, या 2000 में, बताइए। ठीक है रिया। ठीक है अंशु जी। ओके 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 ओके। कृष्णा, आकाश भाई, बहुत बढ़िया, नाइसली डन। ठीक है सहजादी, चंदर भाई, ठीक है आपका भी। और बताओ, मानिक बता दिए? मानिक भाई बता दिए? हाँ मानिक तो बता दिए भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा सताक्षी आ गई, ठीक है। तारा बिटिया गई दिखे, तारा का नहीं चल रहा। चलो भाई, किस में आपका? 1958 में, ठीक है। ईयर याद रखा करो, इनके बहुत से बच्चों को ईयर याद नहीं रहते, बेचारे परेशान रहते हैं बड़े। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश इन 1958। ओके 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 ओके, ठीक है। नेक नेक का बताओ भाई। नेक के तत्वाधान के मतलब नेक के तत्वाधान में एक स्वायत्त संस्थान है भाई, किसके उसमें है ये? ICSSR में है, या CSIR के उसमें, AICTE में है, या UGC में? कृष्णा जी, आपका सब्जेक्ट पता नहीं क्या है इनका सब्जेक्ट, ठीक है बताओ फटाफट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है 18 का तो सही दे रहे हो। ठीक है। ओके ठीक है। रिया, निधि, अनुराधा। ओके 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 ओके, ठीक है। रवि ठीक है। चंद्र भाई बताइएगा। ठीक है चंद्र भाई बताइएगा फटाफट। ठीक है। और बताओ सभी, देखो जवाब सभी दिया करो, ठीक है? कोयल, कृष्णा, ओके। अच्छा अब एक बार बताओ, एक बार बता पढ़ना, ठीक है चंद्र भाई? ठीक है, अब मुझे नेक की फुल फॉर्म बताओ, कौन बताएगा नेक की फुल फॉर्म बताओ? और यदि नहीं पता तो नोट डाउन कर लेना, किसी ने पूछा भी नहीं। अरे हमने तो पूछा सताक्षी को, बताओ। हाँ नेशनल एक्रेडिटेशन, नेशनल एक्रेडिटेशन का असेसमेंट बता दिया। अच्छा बताओ फटाफट सभी, और बताओ यार, एक से कैसे काम चले, एक से कैसे काम चले, बेचारा मानी की बताए सभी, बताओ। और देखो लिखने में प्रॉब्लम भले ही होती है, लेकिन लिखा करो, है ना? हाँ आपने आगे पीछे करिए भाई, मेरे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल होता है, ठीक है? मानिक मानिक और दिशा दोनों को मैं यही देखना चाह रहा था, मैं देखूं कोई और बताए, है ना? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल होता है, ठीक है भाई? हमने तो यही देखी है, और ठीक है। हाँ इसमें आपका यूजीसी आएगा, ठीक है? हाँ बेंगलुरु में वो, ठीक है आपका, ठीक है। ओके 18 का आपका डी है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है, मैं यही देखना चाह रहा था, मैं देखो क्या बताते हैं, ठीक है। 19 का पढ़िएगा आप, देखो चार हो गए आपके, चार ही आ गए, 19 है ना, 19 का ऐसे मिलाओ, लोकेशन पढ़िएगा, अभी चार वो मिलाए थे, अब चार ये मिलाओ, आठ ही होगा तुम्हारे पास।
बताइएगा, इंस्टीट्यूशन दिए, लोकेशन दिए, इस टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं भैया। हायर एजुकेशन पढ़ने आए हो तो ये तो याद करने पड़ेंगे। ये हुए ईयर हुए, यही ज्यादा पूछे जाते हैं, पता है आपको भाई। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी कहाँ है, SNDT यूनिवर्सिटी कहाँ है, MS यूनिवर्सिटी कहाँ है, JN व्यास यूनिवर्सिटी कहाँ। क्लियर नहीं दिख रहा, अपनी क्वालिटी बढ़ाओ, ऊपर से थ्री डॉट पे जाओ और क्वालिटी बढ़ाओ। ठीक है, अरे ठीक है ठीक है। गुड इवनिंग शशि जी, कैसी हैं आप भाई? भाई अपना लाइक वाइक कर दो, ठीक है। हाँ लाइक कर दो, अपना अटेंडेंस लगा दे करो यार। प्रीति जी ध्यान से, प्रीति जी जरा ध्यान से। रामकिशन जी जरा देखो एक बार, रामकिशन जरा एक बार देखो, और रिया तुम भी ध्यान दो। देखो यदि नहीं पता कोई बात नहीं, ठीक है, आगे गलत नहीं होना चाहिए। हाँ रामकिशन, रिया ध्यान दो भाई, ठीक है। पढ़ एक बार और पढ़ो, और लगे हाथ नोट डाउन करो ताकि आगे गलती ना हो, ठीक है। ओके ठीक है ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ सागर मुंबई बड़ौदा एंड जोधपुर, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, सबसे पहले रवि लगाते हैं प्रेजेंट, चलो अच्छी बात है, ठीक है। 19 का आपका ए है, ठीक है दोस्तों। ए में क्या है आपका, ए का जोड़ रहा है आपका फर्स्ट, ए का जोड़ रहा है फोर्थ वाले से, ठीक है। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी तुम्हारे किससे जोड़ रहा है, सागर से, ठीक है। SNDT यूनिवर्सिटी किससे जोड़ रहा है, मुंबई से। MS यूनिवर्सिटी कहाँ आपका, बड़ौदा में। और JN व्यास यूनिवर्सिटी आपका जोधपुर में, ठीक है। ओके ओके, 19 का आपका ए है। आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़िएगा ये ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अपने पास इसका स्क्रीनशॉट है तो ले लीजिएगा। यदि अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन कमीशन, द एम ऑफ हायर एजुकेशन इज, राधा कृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य है क्या, उद्देश्य है। ध्यान से पढ़ो, चार ऑप्शन और मुझे बताओ, चार ऑप्शन। झूठ बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। ओके बताइए सभी। आज मैं खाना खाई आया ना, खाना खाई आया तो आज प्यास लग रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। 20 का बताओ, सही जा रहे हो सही जा रहे हो। रामकृष्ण ठीक है, सारिका चंदर ठीक है, अंशु ठीक है, अच्छा अच्छा दक्षिण लगाई, चलो अच्छी बात है, ठीक है। राजकुमार ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ठीक है, 20 है क्या भाई आपका, सी ठीक है। लोकतांत्रिक मूल्यों, शांति और सद्भाव का विकास करना, बी है मकान सॉरी महान व्यक्तित्व विकास करने के लिए जो राजनीति प्रशासन उद्योग और वाणिज्य में अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। ए एंड बी दोनों ही हैं आपके, यानी सी, ठीक है। कोयल बिटिया जवाब दे रही, नहीं कोयल कहाँ गई, कोयल जरा ध्यान रखो, ठीक है। 20 का सी है। ओके आकाश भाई नाइसली डन, ठीक है भाई, ठीक है मालिक, अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है। हाँ बताते रह करो यार, अपनी नॉलेज शेयर करते रह करो, ठीक है, ताकि मालूम पड़ता रहे और बच्चों को भी। अब ये बताएं, भारत में शिक्षक शिक्षा संस्थानों के प्रत्यायन के लिए किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भाई टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है तो मिलाओ इसे, मैच करो। 21 का, 21 का जरा देखो, जरा देखो 21 का, बिल्कुल कृष्णा ठीक है। कोयल बिटिया जरा ध्यान दो, ठीक है ठीक है। बिल्कुल ठीक है ठीक है। रवि, रिया, शशि, मानिक, मानिक भाई जरा ध्यान दो एक मिनट। गुड इवनिंग संगीता जी, कैसी हैं आप? ठीक है ठीक है ठीक है। शताक्षी जरा ध्यान दो यार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया कृष्णा भाई। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की बात हो रही है ना, NCTE एंड NAC, NAC की फुल फॉर्म हमने आपसे पूछ ही ली, ठीक है। इसमें होगा आपका बी, 21 का बी। कहाँ गई शताक्षी, पता नहीं कहाँ गई, ठीक है। रूमा ठीक है आपका, अरे रूमा 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 ये लगा रही है, कौन सा क्वेश्चन का लगा रही है रूमा, ठीक है। दोस्तों जो अभी आए हो यार अपनी प्रेजेंट लगा दो, ठीक है। हाँ भारत में शिक्षक शिक्षा संस्थानों के प्रत्यायन के लिए किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, NCTE एंड NAC ने, ठीक है। कोई बात नहीं रूमा, चलता है यार। ओके आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका वो है पॉलिटिका, अभी पढ़िएगा 23।
23 पढ़िएगा, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, पढ़िएगा भाई। यूजीसी शिक्षकों, द यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज है ना, केम इनटू एग्जिस्टेंस टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर। रीजन क्या बोलता है, रीजन क्या बोलता है, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर हैव टू अंडरगो बोथ ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज। ठीक है, दोनों तरह के कोर्सेज की बात कर रहा है, ठीक है, ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज, ठीक है, सभी की बात कर रहा है, दोनों की। अब बताओ क्या बात है, सही है आपकी, बताओ। पिक क्लियर है? नहीं है भाई, पिक तो क्लियर है लेकिन क्वालिटी आपके मोबाइल की सही नहीं है। अभी ऊपर 3 डॉट पे जाओ और वहां से क्वालिटी बढ़ाओ, 360 पे कर लो, बहुत बढ़िया चमकेगा, साफ साफ एकदम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 23 का सारी का, सारी का जी, जरा ध्यान दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मानिक कृष्णा ठीक है, अंशु ठीक है, आपका शताक्षी ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रणा निधि ठीक है, और बताओ, ठीक है। अनुराधा और बताओ सभी। ठीक है, संगीता, नीतू ठीक है, ठीक है, चंदर ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और बताओ सभी, ठीक है, ठीक है। रामकृष्ण ठीक है, और बताओ भाई, लड़कियां कहाँ गई, मेघा है तो चली गई दिखे। हाँ ठीक है, और बताओ सभी। बस रवि ने बताया, नहीं रवि ने बता दिया, ठीक है भाई। क्या है आपका, ए है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भाई। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि द यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के है ना, इन टू एक्सिस्टेंस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर। ठीक है, ये बात हो गई। अब उसके लिए क्या करा उन्होंने, ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज चलाए, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। ओके ओके कोयल, बहुत बढ़िया। 23 का आपका ए। कोयल कहाँ से बिलोंग करती हो आप, कोयल कहाँ से बिलोंग करती हो? 24 का बताइए भाई, आरटीआई एक्ट के बारे में पूछ रहा है। टू द आरटी द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 मेक्स द प्रोविजन, भाई प्रावधान क्या है, आरटीआई एक्ट के प्रावधान क्या है, ध्यान से पढ़ो और बताओ। पढ़ो आरटीआई एक्ट के प्रावधान, पढ़ो और बताओ कौन कौन से हैं। ठीक है कृष्णा, और बताओ। ठीक है नीतू, और बताओ सभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिशा सहजादी, रामकिशन ठीक है, राजकुमार ठीक है, ओके। अनुराधा, सारिका, चंदर ठीक है आपका, ठीक है। शशि, रिया, संगीता, सहजादी, और बताओ सभी। मानिक बहुत बढ़िया, ठीक है आपका भी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है भैया। कौन कौन से प्रावधान है, किसी भी व्यक्ति को सभी सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार के सूचनाओं का प्रसार, भी कहता है एक अपीलीय निकाय के रूप में केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के सूचना आयोगों की स्थापना, सी कहता है सार्वजनिक प्राधिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही। ठीक है, वीनू का जेआरएफ हो गया क्या? ना, वीनू का नेट भी नहीं हुआ है अभी, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 24 का, 24 का आपका डी। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप में बात, क्लास में भी नहीं आते, ग्रुप में भी नहीं आते, अच्छा कोई बात नहीं, कहीं और चिपक गया होगा लल्ला। 25 पढ़िएगा, भारत में अधिकांश विश्वविद्यालय वो उड़ती चिड़िया है, कभी यहाँ कभी वहां, एक जगह टिक के बैठने वाली चिड़िया नहीं है वो। 25 क्या होगा, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, यही कारण है वो ना यहाँ ढंग से पढ़ पाता है ना कहीं और। 25 का होता है कोयल, मेरे स्टेट से हैं, देखो हमारे कितने अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं भाई, मैं देखा भी नहीं, आपने पढ़ लिया, उन्होंने लिखा होगा शायद, मैंने पूछा था अभी भाई। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, ध्यान से बताओ क्या करती है भाई, क्या क्या कंडक्ट करती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। 25 का ठीक है, ठीक है। 25 का सी ठीक है भाई, क्या है, कंडक्ट टीचिंग रिसर्च एंड एग्जामिनेशन, ठीक है भाई, सभी है भाई। यूपी में कहाँ से हैं आप, यूपी में कहाँ से हैं कोयल जी, ठीक है। आइए अगला दिखाता हूँ मैं आपको, यूपी वाले हैं सब, चलो अच्छी बात है, कोई तो अपने यहाँ का मिला, ठीक है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा प्रतापगढ़ की हैं, ओहो ओहो
चलो अच्छी बात है, सब नहीं है, सब नहीं है, कुछ बिहार से हैं, कुछ बंगाल से हैं। पर ये 26, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, ढंग से लगा लो। ठीक है बताइए, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? हाँ, बताओ। ठीक है, पड़ोसी है यूपी। अरे पड़ोसी नहीं, मैं रहता हूँ यूपी में यार। ठीक है भाई, कौन सा नहीं है? ठीक है ठीक है, शहजादी, आकाश, रवि, निधि, रामकिशन, नीतू, चंदर, चंदर भाई, चंदर भाई जरा ध्यान दो भाई मेरे, जरा ध्यान दो। हाँ कोयल फतेह प्रतापगढ़ से। ठीक है ठीक है, ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल भाई। क्या है आपका? प्लानिंग कमीशन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कौन सी है आपकी? प्लानिंग कमीशन। ठीक है, हलाने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, कोयल जी जरूर आएंगी। ठीक है, 26 का डी। ठीक है अच्छा, ये पढ़िएगा 27 भाई, राज्यपाल द्वारा है तो तुम्हारा ये उसका पॉलिटिका, लेकिन पता होना चाहिए यार। ठीक है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से किसे केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं प्रीति जी, बताइए। राज्यपाल द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से किसे केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? हाँ, नीति आयोग हो गया, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बताइए 27 लगा सकते हो ना? हाँ लगाओ, 27 का लगाओ, 27 का सभी लगाओ, बताएं 27 का। लगाओ सभी, देखता हूँ कौन कौन क्या लगाता है। देखो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। और बताओ कौन बताता है? ठीक, चलो ओके। शताक्षी कहाँ गई है? शताक्षी जब पॉलिटिकल क्वेश्चन होता है गायब हो जाती है। क्यों शताक्षी कहाँ गायब हो गई? ठीक है भाई, क्या मेंबर आपका महाधिवक्ता? ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरा आंसर सही हो गया। चलो नीतू, बहुत बढ़िया, लेकिन ये शताक्षी गायब हो जाती है भाई, पॉलिटिकल क्वेश्चन आते ही शताक्षी गायब हो जाती है। पढ़े 28, भारत में अधिकांश विश्वविद्यालय वित्त पोषित है भैया किससे? किसकी बात कर रहा है? विश्वविद्यालयों की। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर फंडेड बाई, भाई किससे फंड प्राप्त करती हैं यूनिवर्सिटियां? अच्छा शताक्षी, अच्छे से रीड करती हैं। हाँ, सब बता दिए, सब बता दिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 28 का बताओ, 28 का समझ से बाहर है, कोई बात नहीं, मतलब लगवा देता हूँ, ऐसी पेपर में नहीं आएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब सही लगा रहे हो। ठीक है, संगीता, आकाश भाई, नाइसली डन, बहुत बढ़िया, और बताओ। ठीक है चंद्र भाई, हाँ ठीक है ठीक है, ओके कोयल, ठीक है आपका, और बताओ। ठीक है ठीक है, अच्छा ये बताओ, हाँ अच्छा ये बताओ, यूजीसी कौन देता है? यूजीसी को फंड प्रोवाइड कौन करता है? यूजीसी को फंड प्रोवाइड कौन करता है? देखो थोड़ी सी बात जान ले और भी है ना भाई, भाई यूजीसी को फंड प्रोवाइड कौन करता है? यूजीसी को फंड प्रोवाइड कौन करता है? दिशा जी जरा ध्यान दीजिए, यूजीसी को फंड प्रोवाइड कौन करता है? पता होना चाहिए यार, है नहीं है ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, यूजीसी को फंड प्रोवाइड कौन करता है? यूजीसी को फंड प्रोवाइड कौन करता है? हाँ यूजीसी को फंड प्रोवाइड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं पता किसे? ओहो एनटीए, क्या बात है ज्योति, क्या कर रही हो ये एनटीए? अरे एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है यार, एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए क्यों ला रही हूँ बीच में भाई? एनटीए तो आपकी टेस्टिंग एजेंसी है, कि बार टेस्ट लेती है, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, हाँ आगे ध्यान रखना, इससे कोई लेना देना नहीं है।
ओके ओके ओके। अच्छा ये बताओ, अच्छा और एक बात, इग्नू प्रोवाइड करता है, इग्नू को कौन प्रोवाइड करता है? देखो पता होना चाहिए भाई, जानबूझ के पूछ रहा हूं मैं आपसे, इग्नू को कौन प्रोवाइड करता है? इग्नू को फंड प्रोवाइड कौन करता है, यूजीसी या एमएचआरडी? दो ऑप्शन भी दे दो मैंने। ओके 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 ओके, अब आ गया, जरा देखना। हेलो, आ गया ना? हेलो, ओके ओके, हो गया भाई, हो गया ना? ठीक है, अब सही आ रहा है। हाँ अब सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब सही है, अब बस भटकना। हाँ अब हो गया, ठीक है। बताओ, इसे भी अभी होना था क्लास के टाइम पे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है भाई, आपका क्या था भाई? मोस्ट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर फंडेड बाई यूजीसी। अच्छा अब मैंने आपसे कुछ पूछा था, क्या पूछा था मैंने? इग्नू कौन प्रोवाइड करता है, इग्नू को कौन प्रोवाइड करता है? इग्नू को, हाँ आ गई, ठीक है, इग्नू को कौन प्रोवाइड करता है? इग्नू को कौन प्रोवाइड करता है? हाँ एमएचआरडी, ठीक है ना भाई, इग्नू को प्रोवाइड करता है आपका एमएचआरडी, ठीक है। एमओई, ठीक है ना, अब याद रखना, आगे से मैंने जान के पूछा आपसे, दो तीन बात थी। 28 का आपका सी है, आइए आगे बढ़ते हैं। 29 पढ़िएगा, ये तो आपका पॉलिटी का, ये रहने दो, आइए पढ़िए, ये भी पॉलिटी का है, ये लगाओ। 31, हाँ तुम्हारा नहीं आया, आ जाएगा आ जाएगा। हाँ आप बताओ, 31, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता को देखता है? भैया किस किस का? तकनीकी और प्रबंधन, यानी कि टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन की बात कर रहा है, तो हमारा फुल फॉर्म यदि पता होगा तो मालूम पड़ जाएगा ना, पॉलिटी से नहीं आती है, अगर आए एक आध तो कोई चक्कर नहीं पड़ता उसे, ठीक है, मत पड़ो पॉलिटी के चक्कर में। 31 का बताओ आप लोग। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन की बात हो रही है मानिक भाई, जरा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ मेरे पास बफरिंग ही हो रही है, रिफ्रेश करके आओ सताक्षी। हाँ, देखो भाई टेक्निकल की बात कर रहा है ना, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, बिल्कुल कृष्णा, देखो फुल फॉर्म डाली, देखो कृष्णा ने क्या डाला है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज की बात कौन सी करता है भैया, ठीक है, AICTE, टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, बिल्कुल कोयल। ओके 31 का आपका सी है, बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। जे आपका उसका है, अब बताओ कितने पॉलिटी के पढ़ गए इसमें, चलो ठीक है। अब ये बताओ, आप ये कमीशन दिए और ईयर दिए, कमीशन दिया है और ईयर दिया है, कमीशन दिया है और ईयर दिया है, कौन सा क्वेश्चन है? 34, कमीशन दिया है और ईयर दिया है, ध्यान से बताओ, कमीशन और ईयर पढ़ के बताओ, बिल्कुल दिया, अच्छी बात है, ठीक है ठीक है। संगीता जी 34 का बताओ क्या होगा, मैच करो इनको, कमेटी को दे रखा है ईयर दे रखा है इनका, बताओ अच्छे से पढ़ लो आराम से और बताओ, सही चल रहा है ना, वैसे सही चल रहा है ना, अब तो नहीं अटक रहा। हाँ बताओ फटाफट, अटका तो नहीं है ना? हेलो, अटका तो नहीं है दोस्तों, बता दिया करो यार, थोड़ा हलचल करे करो, हलचल बनाए रखो। हाँ जा तो रहा है, मैसेज तो जा रहा है, ठीक है
ठीक है बताओ फटाफट। 34 का। ठीक है भाई, मालूम नहीं पड़ता ना, आप लोग बताते नहीं हो तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है ना। चल रहा है तो ठीक है, बताओ फटाफट। ओके ओके ओके, नहीं पता कोई बात नहीं, लगाओ। नहीं पता तो लिख लेना, तभी तो कहता हूँ नहीं पता होगा तो लिख ले करो यार, कुछ नया सीखने को मिलेगा। आ शताक्षी वो क्या नाम है, अर्पिता, बड़ा परेशान होगी आज। आज अर्पिता के मनपसंद क्लास चली जाएगी। 34 का है आपका, मैं बताता हूँ 34 का है आपका, 34 तो है, या 34 का है आपका बी। ठीक है 34 का है बी। सर ये ना आ रहा, कोई बात ना, 34 का है बी। बी में क्या दिया है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ठीक है वो मिला आपका 1966 से। ठीक है पॉल एच एपिलवे कमेटी, ये मिला आपका 1953 से। ठीक है हाँ, ऐसे सी वाला और डी वाला देख लो, किस में मिल रहा है आपका, बी में मिल रहा है। अर्पी कहाँ है आज, इनका फोन ना मिला होगा आज मेरे ख्याल से। 34 का है, 34 का आपका बी। ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों और बना देना, ठीक है अपने पास लिख लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओके ओके, 34 का है बी। आइए आगे बढ़ते हैं। बताइए भाई, ग्राम सभा के सदस्य हैं, ग्राम सभा के सदस्य हैं। मेरा नहीं चल रहा, क्या हुआ शताक्षी आज ले लिया। ठीक है ग्राम सभा के सदस्य हैं, 35 का बताओ, 35 का बताओ। ठीक है ले लिया, अच्छी बात है। ग्राम सभा के सदस्य, द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा आर, 35 का, बहुत बढ़िया। सबसे पहले दिया चंद्र भाई ने, चंद्र भाई बहुत बढ़िया। ठीक है निधि, संगीता, ठीक है। मनोज कैसे हैं आप, बढ़िया हैं भाई, पहली बार क्लास में आए आज। गड़बड़ अभी गड़बड़ लगाओ भाई, 35 का आंसर देखो जरा एक बार फिर से पढ़ के लगाओ भाई। ठीक है अंशु, हाँ रवि, सारिका, कोयल, ठीक है आपका। मानिक बहुत बढ़िया, नीतू ठीक है, मेघा आपका भी ठीक है, रिया, आकाश ठीक है आपका। और जो दोस्तों क्लास में नए आए हैं आज, उन्हें बता दें कि डेली 2 क्लास हो रही है। ठीक है हाँ, एक शाम को 4 बजे होती है और एक अभी होती है आपकी रात को। ठीक है हाँ, तो सुनो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है हाँ, और यदि ग्रुप, यदि व्हाट्सएप और टेलीग्राम चलाते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवेन है, वहां से जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है 35 का आपका डी, ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता। ठीक है रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है 35 का डी होगा। ठीक है मेंबर, मेंबर ऑफ ग्राम सभा, रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है 35 का डी। आइए आगे बढ़ते हैं, 36 पढ़िएगा भाई। छात्रों विकसित करने के लिए मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। छात्रों में विकसित करने के लिए मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, द मोरल वैल्यू, ठीक है द सोशल वैल्यूज, द पॉलिटिकल वैल्यूज, द इकोनॉमिक वैल्यूज। बफरिंग और नेटवर्क इशू फिर से हो रहा है ज्योति। यार ये देखो यूट्यूब में कुछ गड़बड़ चल रही है यार, ठीक है इतने सारे यूट्यूबर हो गए हैं। हाँ डेली यही टाइम रहता है यार। संगीता आप तो कल भी आई थी मेरे ख्याल से, हाँ और शाम वाली क्लास में भी आया करो यार। ठीक है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही जा रहे हो। ठीक है आकाश भाई, मेघा, अंशु, अब यार वहां पर बच्चे बहुत बड़े कम रह जाते हैं, वहां भी आया करो। ठीक है ना, वहां भी आया करो। ठीक है ज्योति, सताक्षी, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है सबका, ओके ओके बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मनोज भाई बहुत बढ़िया। और बताओ कोई बात है सताक्षी, कोई कृष्ण के नाम में पागल होता है, तुम क्लास के मारे पागल हो जाओ। अरे कोई राधा कृष्ण के नाम में पागल हो जाता है यार, पढ़ाई के मारे थोड़े तो पागल बन जाओ। कोई बात ना कोई बात ना सताक्षी, कोई बात ना है। वैसे भी तुम्हें ना यार, तुम्हें भी और हमें भी हरि नाम सुमिरन करना है, तो फिर क्या है, अभी से आदत डाल लेना, अभी से आदत डाल ले हरि नाम सुमिरन, क्यों भाई सताक्षी। ठीक है 36 का क्या है, 36 का है आपका ए। ठीक है द मोरल वैल्यूज, यार है तो एक ही पार्टी के, हैं तो एक ही पार्टी के, क्यों भाई सताक्षी। 36 का ए, द मोरल वैल्यूज। ठीक है छात्रों में विकसित करने के लिए मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है, क्या है, द मोरल वैल्यूज। ठीक है नैतिक मूल्य, ठीक है दोस्तों ठीक है। 36 का ए है,
आगे बढ़ते हैं। ठीक है सताक्षी, अब बताओ। देखो दोस्तों तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, अभी पढ़े थे इस क्वेश्चन को। आई आई ए एस इज लोकेटेड, देखो दूसरा दोबारा क्वेश्चन ऐसे पूछा है, पहले किसी साल में वो वाला पूछ लिया था कि दिल्ली में कौन सा स्थित नहीं है, अभी यहाँ पे पूछ रहा है भैया कौन सा है, मतलब ये वाला जो कहाँ पे स्थित है, बताओ ये वाला कहाँ पे स्थित है। ठीक है देखो, सताक्षी बोली नहीं, सताक्षी बोली नहीं, क्या हुआ सताक्षी, सताक्षी को हंसी भी नहीं आई भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, सहजाई ठीक है, मानिक ठीक है, सताक्षी यहीं पे गुस्सा निकालती हो ठीक है। हाँ, अगर गुस्सा हो ना भैया तो यहीं गुस्सा निकाल दियो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोयल ठीक है, और बताओ ठीक है, दिशा संगीता ठीक है, सुनील जी कैसे हैं आप ठीक है। दोस्तों यार अपनी प्रेजेंट लगा दो, जो बच्चे अभी आए हो प्रेजेंट लगा दो, लाइक कर दो ठीक है दोस्तों। ठीक है भाई, आई आई ए एस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इज लोकेटेड एट, कहाँ पर है भाई, शिमला में ठीक है, शिमला में। ओके ओके ओके, 37 का आपका बी, 37 का बी। भाई सताक्षी कहती है हम नाराज नहीं होते हैं, सताक्षी कहती है हम नाराज नहीं होते हैं ठीक है। 38 का पढ़ो और लगाओ फटाफट, 38 का पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज कंसिडर्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बताओ फटाफट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और बताओ, ठीक है कृष्णा मेघा, और बताओ सभी, शताक्षी बिटिया बता दो फटाफट ठीक है, संगीता रिया शशि दिशा ठीक है, नीतू ठीक है, और बताओ। ठीक है आकाश भाई ठीक है, चंदर ठीक है, अरे चंदर चंदर जरा ध्यान दो भाई, चंदर जरा ध्यान दो, चंदर जरा ध्यान दो, सुनील ठीक है आपका, शताक्षी ठीक है, सताक्षी नाराज हो गई भाई, सताक्षी है बस, सताक्षी क्या करना पड़ेगा हमें। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके बिल्कुल भाई, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ठीक है, 38 का डी, ओके 38 का डी, नेट की जान ले लूं मैं, अच्छा 38 का डी है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, 38 का डी। ओके आइए आगे बढ़ते हैं, बताइए ठीक है, बताइएगा इन द वारंट ऑफ, ठीक है ध्यान से पढ़ो, हाँ हाँ बिल्कुल बताओ फटाफट भाई सभी, कौन सा होगा ये तुम्हारा, उसका आ गया पॉलिटी का, लगाओ लगाओ लगा लो फटाफट, चंद्र भाई बता लेते, चंद्र मानक बताओ, तुम तो बता लेते हो, मनोज मनोज चले गए होंगे, मनोज का पता नहीं कहाँ है, हाँ बताओ फटाफट, दो कोशिश किया करो। अरे सारिका जी कहाँ चली, सारिका कहाँ चली बताओ, 10 बजे कौन सोता है यार, 39 बताओ, 39 ठीक है, 39 39 39 ठीक है भाई, 39 हाँ बट हाँ बताओ फटाफट। ठीक है ठीक है, अरे सारिका नहीं सोने नहीं जाते, कोई नन्हे बालक थोड़ी 10 बजे सोने जाते हैं, हाँ बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ यार, सी होगा इसमें है ना, ना सी होगा, सी प्राइम मिनिस्टर ठीक है, हाँ पूर्ववर्ती वारंट में लोकसभा अध्यक्ष के पास ही जाती है भाई, प्रधानमंत्री जी ठीक है, हाँ 39 का आपका आ रखा है सी वाला, कोई कुछ लगाता है कोई कुछ लगाता है, चलो छोड़ो हटाओ ठीक है, बस ध्यान रखना नॉलेज के लिए, अगर आ जाए तो लगा देना, वैसे आते नहीं है पॉलिटिक्स ठीक है, 39 का तो सी है आपका। आइए आगे चलते हैं, पॉलिटिक्स आते नहीं है, घबराओ मत नहीं आते हैं पॉलिटिक्स। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा भाई हायर एजुकेशन में, कि यूजीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, 40 का बताओ, यूजीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बताओ 40 का कौन सा कथन सही नहीं है। अभी हमने आपसे यूजीसी की बात करी थी कि ठीक है, यूजीसी की बात करी, एमएचआरडी की बात करी, सबकी बात करी, अब ये तुम्हारे हवाले है, ध्यान से पढ़ो बिल्कुल बिल्कुल, कृष्णा संगीता कृष्णा ठीक है, रिया मानिक ठीक है, बहुत बढ़िया सभी जवाब दो यार, आज बच्चे कम आए हैं, आज 21-22 पे गाड़ी अटकी पड़ी है, आज गाड़ी 21-22 पे अटकी पड़ी है बस,
आज बच्चे नहीं आए ज्यादा, ठीक है 40 क्या होगा, ठीक है ठीक है। कोयल बिटिया जवाब दे रही है, कोयल बिटिया कहाँ चाहेंगी, ठीक है ठीक है। 40 क्या बताओ, ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कब तक है, थोड़ी देर और है बस, आधा घंटा और, ठीक है ओके 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 ठीक है, और बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल रवि, नीतू ठीक है, और बताओ। देखो यार सिंपल सा हिसाब है, कह रहा है इट रिसीव फंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ठीक है ना, वो तो भैया लेनी किससे लेगी, फंड किससे लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेगी, ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, स्टेट वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब कौन सा गलत है आपका, यही वाला, ठीक है। यह राज्य विश्वविद्यालय के संबंध में राज्य सरकार धन प्राप्त करता है, ठीक है ओके। अरे लो एक और आई, एक और आई शशि। अरे बताओ यार लड़कियां बड़ी जल्दी सो जाती हैं। 40 का होगा, 40 का होगा डी, ठीक है 40 का होगा डी, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट से। यार लड़कियों बहुत जल्दी सो जाती है यार, ससुराल में कैसे चलेगा काम तुम्हारे साथ ऐसे है, ससुराल में कैसे चलेगा काम बताइए। 41 भाई, कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर अधिकार, कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर अधिकार, ध्यान से पढ़ो, कोठारी कमीशन रिपोर्ट वाज एंटाइटल्ड ऑन, भाई कौन सा होगा ध्यान से बताओ हाँ हाँ बताओ ठीक है। तो 87 तो बैठती है, अभी दो चली, शशि चली और सारिका चली, ठीक है बताओ फटाफट 41 का। 41 का बताओ ध्यान से, 41 का बताओ ध्यान से, ठीक है। मानिक संगीता ठीक है मेघा, देखो मेघा बेटिया है नहीं, देखो हमारे पास बैठी है अभी, घर में काम चल रहा है, घर में काम चल रहा है, सोने जाओगी, ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके ठीक है। अंशु कोयल नीतू ठीक है, सहजादी ठीक है, और बताओ ठीक है ठीक है। ठीक है आकाश भाई बहुत बढ़िया, चंद्र भाई बहुत बढ़िया, नाइसली डन, हाँ हाँ बिल्कुल, ससुराल में 7 बजे सो जाना चाहिए। अरे वाह सताक्षी से लो, सताक्षी से लो, टिप कितनी बढ़िया देती है, ठीक है। 41 का होगा आपका, 41 का होगा आपका ए, ठीक है 41 का होगा ए, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, ठीक है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है ओके 41 का ए, ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं। 42 पढ़ते हैं भाई, डुअल मोड यूनिवर्सिटी नहीं है कौन सी, डुअल मोड यूनिवर्सिटी कौन सी नहीं है, डुअल मोड यूनिवर्सिटी कौन सी नहीं है, घर रन रहा है, कोई बात नहीं शशि, तुम तो फिर भी बता के जा रही हो कुछ बिना बताए भाग लिए, हाँ जाओ देवियों जाओ, तुम भी क्या याद करोगी, जाओ 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 जाओ, हाँ हाँ ठीक है, तुम तो फिर बता के जा रहे हो यार, इतनी कृपा कर रही हो, बहुत से बिना बताए भाग जाते हैं, ठीक है 42 का बताओ कौन सी डुअल मोड यूनिवर्सिटी नहीं है, उनका क्या इलाज है जो बिना बताए भाग जाते हैं, तुम तो फिर भी इतनी कृपा कर रही हो बताओ 42 क्या होगा। ठीक है आकाश ज्योति रवि ठीक है, अंशु जी ठीक है ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोयल कोयल ठीक है, संगीता ठीक है, ठीक है ओके ठीक है। कौन सा होगा ये आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डुअल मोड यूनिवर्सिटी, बट डुअल मोड यूनिवर्सिटी कौन सी नहीं है आपकी इग्नू, ठीक है इग्नू आपकी डुअल मोड यूनिवर्सिटी नहीं है ओके। कैसी है भाई आपकी, ऑफलाइन ऑनलाइन होती है ना, इसलिए एक ही मोड में, डुअल मोड नहीं है ओके। 42 का आपका डी है ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का उपकरण नहीं है, सॉरी हाँ ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ गुड गवर्नेंस। अरे 15 बच्चे हो गए यार बड़ी जल्दी, बहुत जल्दों को नींद आ गई भाई, बहुत जनों को नींद आ गई, ऐसे कैसे काम चलेगा, जेआरएफ चाहिए यार, ऐसे जेआरएफ चाहिए, ऐसे कोई मिलता है जेआरएफ, भाई नींद पे कंट्रोल नहीं है अभी तुम्हारा। 43 का क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का उपकरण नहीं है, ध्यान से बताओ, गुड गवर्नेंस का टूल कौन सा नहीं है। यदि नींद पर कंट्रोल नहीं है तो कैसे काम चलेगा, देखो सताक्षी यार 15 रह गए, 15
पता नहीं आज क्या खाया खाने में, आज पता नहीं क्या खाया खाने में, आज गुल्ला फुल्ला खा लिया इन्होंने आज खाने में, है बड़ी नींद सता रही है आज। 43 बताओ क्या होगा, 43। ठीक है ठीक है ठीक है, रिया गुल ठीक है, रिया कोयल मानिक ठीक है, और बताओ राजकुमार ठीक है, और बताओ संगीता ठीक है, क्यों सोशल ऑडिटिंग ठीक है, सोशल ऑडिटिंग 43 का सी, बहुत बड़ी दिशा दी, ठीक है 43 का सी। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 44 बताएं भैया, 2013 में निम्नलिखित में से किस परिषद को भंग कर दिया गया था? हाँ बताओ फटाफट, 44 का बताओ। बिल्कुल भाई, किसे 2013 में डिसबैंडेड कर दिया गया? मीठा खाया होगा पता ना यार। ठीक है। अरे चंद्र भाई जरा ध्यान से भाई मेरे, चंद्र भाई जरा ध्यान से, चंद्र भैया जरा ध्यान से। हाँ अरे भाई मेरे, ठीक है 2013 में निम्नलिखित में से किस परिषद को भंग कर दिया गया? वो तुम्हारी थी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, ठीक है DEC, 2013 में बंद कर दी गई। ओके आइए 44 का ए है आपका, आइए आगे बढ़ते हैं। आज सोने जाएगा उसने, JRF नाराज हो जाए, हाँ बिल्कुल लेकिन भागने वाले भाग गए यार, कोई बात नहीं, चलो खैर पढ़िएगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल? बताओ पढ़ो फटाफट, चारों ऑप्शन पढ़ो और कोड देखो और बताओ। बताओ ठीक है, 45 का बताओ क्या होगा। ठीक है। हाँ, 12 बजे तक चले यार, ठीक है बताओ फटाफट 45 का क्या होगा। ठीक है मेगा, ठीक है चंद्र भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चंद्र ने सबसे पहले दिया, ठीक है चंद्र मेघा ठीक है आपका, और बताओ। हाँ चंद्र भाई बहुत बढ़िया, सबसे पहले दिया आपने, ठीक है ठीक है। कोयल कोयल ग्रुप ज्वाइन करना, ठीक है ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ओके हाँ ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लो। नहीं पता मानिक भाई बता दूंगा मैं, ओके नहीं पता कोई बात नहीं, अभी समझ जाओगे। ठीक है निधि और बताओ, नंदनी दिशा ठीक है आपका, और बताओ सभी, और कौन बचा? नीतू ठीक है, ओके ओके अंशु ठीक है आपका भी, भाई 45 का आपका डी ठीक है। इसमें 3 और 4, 3 में क्या दिया है आपका भाई, यह नागरिक समाज के नेताओं के साथ निरंतर बातचीत की सुविधा प्रदान करता है, और यह भारत सरकार की नीति और विधायी इनपुट प्रदान करता है, ठीक है। इसने क्या बोला भाई, NAC जो है एक स्टेचुरी बॉडी है, ये गड़बड़ है, और डी वाला तो बिल्कुल ही गलत है भैया, प्राइम मिनिस्टर को बना रहा है इसका हेड, ठीक है हाँ प्राइम मिनिस्टर को हेड बना रहा है यार, प्राइम मिनिस्टर की जान को वैसे ही बड़े काम है, एक और लगा दो है ठीक है। फर्स्ट और सेकंड गलत है आपका, 3 और 4 सही, यानी कि डी वाला पॉइंट आपका सब ठीक है। 27 का सी, 27 कहां से आ गया? पढ़िएगा 46 भाई, दो या अधिक राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है? 46 का बताओ। 46 का बताओ। पूरी रात क्लास लूं? अच्छा नीचे से आवाज आती 11 बजे ही, नीचे से आवाज आ जाती है 11 बजे ही, तुम तो कह रही हो अपनी बात, ठीक है 46 का बताओ। ठीक है, और बताओ सभी, चंद्र भाई ठीक है, सहसाई ठीक है आपका भी, और बताओ। ठीक है आकाश, जरा मानिक जरा ध्यान से भाई, मानिक जरा ध्यान से लगाओ, ठीक है संगीता। अंशु ठीक है, और बताओ। कोयल ठीक है, रवि ठीक है आपका,
ना ना ठीक है ठीक है. ठीक है रिया जरा ध्यान दो, रिया बेटा ध्यान दो. ठीक है ओके भाई, इसका होगा सी आपका. ठीक है ओरिजिनल है ना, ज्यूरिडिक्शन मूल अधिकार क्षेत्र. ठीक है हाँ हेलो. ठीक है 46 का आपका सी. ठीक है 46 का सी. आइए आगे बढ़ते हैं. 47 पढ़िएगा. बस यही पीडीएफ करेंगे, वैसे ही बच्चे भाग गए यार, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, मेरा क्या जा रहा है. ठीक है अगले दिन पढ़ लेंगे. 47 बताओ, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का कार्यकारी प्रमुख है, बताओ कौन सा होगा. 47 यही पीडीएफ लगा ले रहे हैं, क्या करें फिर, है ना, बताओ फटाफट 47 में क्या होगा. 47 का बताओ क्या होगा. निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का कार्यकारी प्रमुख है. बिल्कुल इशिता ठीक है, मेघा ठीक है, सहजादी और मानिक भाई जरा ध्यान दें, जो भी सी लगा रहे हैं जरा ध्यान दें. ठीक है आकाश भाई ठीक है आपका, संगीता अंशु ठीक है, इशिता जी जरा अपनी अटेंडेंस लगा दियो. ठीक है बहन जी ठीक है जय श्री कृष्णा. ओके ठीक है ठीक है बिल्कुल भाई. कौन सा आपका उपाध्यक्ष, ठीक है डिप्टी चेयरमैन, ठीक है कौन सा है डिप्टी चेयरमैन 47 का. हाँ, बी लगाया ठीक है, तो अच्छी बात है, 47 का बी डिप्टी चेयरमैन. ठीक है आइए 48 पे आते हैं. बिल्कुल बी है, चलो अच्छी बात है इशिता जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी. पढ़िए 48 भाई. एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर इन द, भाई किस में, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, या आपका रेजुलरी पावर्स में. बताओ किस में भाई, एजुकेशन किस में पढ़ा है यार, सबको पता है. ठीक है किस में पढ़ा भाई बताओ. क्या कह रहे हो, ऐसा ना बोलो, ऐसा क्यों, अरे क्या हो गया, एक क्वेश्चन दो बार कहाँ पे, कहीं ना दो बार तो कहीं ना भाई, ये अभी तो पहली बार आया है, ये वाला आया ही नहीं है, ये तो पहली बार आया है. हाँ ठीक है ठीक है भाई बिल्कुल बिल्कुल ठीक है और बताओ. बिल्कुल भाई किसमें आपका कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है किसमें आपका कंकरेंट लिस्ट में, ओके समवर्ती सूची में है ना. अब यदि केंद्र सरकार कुछ देती है भैया, कुछ चेंज कर सकती है, तो आपका इधर स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें चेंजेस कर सकती है. हाँ कोई बात नहीं इशिता, 48 का सी. दिल पे मत लिया करो यार, मतलब कह देता हूँ ऐसे ही. ठीक है बताओ, विच ऑफ यूनिवर्सिटी हैज अडॉप्टेड द, सॉरी अडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट, भाई किसने, हाँ भाई किसने जो अपनाया इनका, आसाम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी या पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, किसने अपनाया, किसने अडॉप्ट किया मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट को. ये डी कौन बता रहा है, दिखता ही नहीं, कोई बात नहीं, फेस दिखता है, छोटा सा दिखता है, फेस में क्या रखा है यार. ठीक है विष्णु, वैष्णो, वैष्णो कुमार कैसे हैं आप भाई, वैष्णो कुमार कैसे हैं आप, वैष्णो कुमार यदि पहली बार क्लास में एंट्री आई हुई है आज आपकी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को प्रेस कर लो. डेली क्लासेस होती है ठीक है, एक सौ शाम को 4 बजे होती है, एक रात को 9 बजे होती है. ठीक है और ग्रुप यदि व्हाट्सएप और टेलीग्राम चलाते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है आपका दो यूनिवर्सिटी ने अपनाया, एक कौन सी थी, एक आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दूसरी कौन बताएगा, दूसरी कौन बताएगा, एक दूसरी भी तो है, दूसरी कौन थी. मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट को दो यूनिवर्सिटियों ने धारण किया, दो ने अडॉप्ट किया, दूसरी कौन सी थी. ना 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 ना, ना वैष्णो कुमार जरा ध्यान दो भाई, इसमें तो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है. हाँ
हाँ बताओ फटाफट, दूसरी का नाम बताओ यार। दो थी ना जिन्होंने मेटा एजुकेशन का मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट को अपनाया, दूसरी कौन थी? हाँ बिल्कुल, इशिता, शताक्षी। और बताओ। ठीक है, और बताओ सभी। बिल्कुल, और बताओ भाई, पता होना चाहिए ना। अभी तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी दे दिया, मान लो वो दिया होता तो फिर तो तुम कहते यार यहाँ तो दिल्ली है ही नहीं है। और बताओ कौन सा होगा। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है अंशु जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। संगीता, इशिता, ठीक है, शताक्षी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। 49 का आपका बी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए 50 क्वेश्चन भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर एम्पावर्ड टू कन्फर और ग्रांट डिग्रीज अंडर द यूजीसी एक्ट 1956। यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को डिग्री प्रदान करने या अनुदान देने का अधिकार है? बताइए कौन सा होगा, 50 का कौन सा होगा? हाँ, मेटा होता है, मेटा होता है, लेकिन ये मेटा यूनिवर्सिटी है ना। हाँ मेटा होता है उसमें, बिल्कुल। हाँ मेटा कॉग्निशन के नाम से भी होता है टीचिंग में। बताओ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, और बताओ सभी। ठीक है, संगीता दीदी, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताओ बहन जी, और बताओ देवियों, सज्जनों, सभी बताओ फटाफट। 50 का बताओ देवियों और सज्जनों, जल्दी से। ठीक है इशिता, ज्योति, ठीक है, और बताओ। और बताओ कौन बताएगा, राजकुमार, ठीक है, दिशा, रिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वैष्णो कुमार, ठीक है आपका, और बताओ। ठीक है अंशु, चंद्र सिंह, ठीक है आपका, कोयल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 13, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, अगला क्वेश्चन देता हूँ आकाश भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है, लगा लो एकाध और। रवि महाराज, पढ़ो फटाफट भाई। द ई कंटेंट जनरेशन फॉर, है ना, अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैज बीन असाइंड बाय द MHRD टू भाई किसके द्वारा? बताओ फटाफट भाई। इन्फ्लिपनेट या CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कमीशन, या आपका NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन, या आपका इग्नू, कौन है? जरा ध्यान से, 51। अरे बच्चों को डराओ मत यार, जो है उनकी भी सांसें चलना शुरू हो जाएंगी, पूरी रात का नाम ले रहे तुम हो रहे हैं। जरा ध्यान से लगान दो बच्चों को, उनकी मतलब तुम हाथ पैर मत फुलाओ। 51 का बताओ, ठीक है। अरे 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 अरे, वैसे ही कुछ भी लगाया जा रहे हो। 51 का मैं बताता हूँ, चलो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, ठहर जाओ, यहीं ठहर जाओ। 51 का है आपका बी, ठीक है, 51 का है बी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा है, समझ में आ रही है, ई कंटेंट की बात कर रहा है। जरा सर्च मार के देखियो जरा गूगल पे, ठीक है भाई, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, CCE, सॉरी CEC, हाँ CEC, ठीक है, ओके भाई। आप इशिता यहाँ तो ऐसे ही बालक है ना, ठीक है, 51 का हो गया आपका बी। कुछ तो 10 बजे ही भाग गई, कुछ कुछ मैडम तो 10 बजे ही भाग गई, ठीक है, 51 का आपका बी है, ठीक है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये बताओ जरा भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन एजुकेशनल प्लानिंग? ध्यान से बताओ, एजुकेशनल प्लानिंग की बात कर रहा है। हाँ बी बी होगा भैया, बताओ फटाफट। 52, हमें हल्के में ले रहा है, तुम्हें हल्के में ना ले रहा है भैया, तुम्हें हल्के में ना ले रहा है। ठीक है, 52 का बताओ।
पढ़ तो सकते हो, लेकिन देखो हमारा सामने, तो तुम्हारे सामने नमूना पेश है, कितने भाग गए 10 बजते ही। आज नीतू जी ने कैसे बैठी है, नीतू है गायब हो गई, नीतू है कहीं, नीतू है कहीं, देखो शायद गायब हो गई नीतू, नीतू जी भी शायद हैंगी पता ना कहीं। ठीक है बताओ ध्यान से भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डील, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डील विद कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ना ऑन एजुकेशनल प्लानिंग, भाई कौन सा एजुकेशन प्लानिंग कौन बात करता है, ठीक है न्यूफा करता है, ठीक है ओके 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 ओके। देखो चुपचाप निकल गए नीतू, हाँ चंदर भाई 52 का है आपका डी, बिल्कुल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यदि फुल फॉर्म ना पता हो तो दिशा लिख दी, अरे यार दिशा लिख दी है, स्क्रीनशॉट ले लो, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है न्यूफा की। बाकी ऊपर की तो हमने पढ़ ली, एनसीईआरटी की पढ़ ली, यूजीसी नैक सबकी पढ़ ली, न्यूफा की और लिख लो, ठीक है 52 का आपका डी है। आइए आगे पढ़ते हैं, लो ये लगाओ, ये सबको पता होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए, ये डेज पूछ लिए जाते हैं, पूछे गए हैं, पूछे भी, मैच करो ने भैया। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, और वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यू से इंस्टीट्यूट है यार वो, है आपका यूनिवर्सिटी, ठीक है बताओ फटाफट। ठीक है ओके 53 का बताओ, 53 ठीक है, इशिता ज्योति ठीक है, ठीक है मेघा चंद्र भाई बहुत बढ़िया। देखो यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सही लगाओ सभी, ठीक है दिशा अंशु जी ठीक है, और बताओ, ठीक है ठीक है ठीक है, रिया रवि ठीक है ठीक है ठीक है ओके ठीक है, हाँ, बिल्कुल 53 का आपका बी, ठीक है वही वर्ल्ड हेल्थ डे आपका कब, 7 अप्रैल को, ठीक है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, और वर्ल्ड एड्स डे आपका 1 दिसंबर, ठीक है बिल्कुल 53 का बी, 1 दिसंबर याद कर लो, एड्स दिवस, बाकी और तो याद रहते हैं। 54 का बताओ, क्या कह रहे हो पढ़ो 54, शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता का प्रकटीकरण है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, वाज स्टेटेड बाय भाई एम के गांधी, भाई महात्मा गांधी जी, ठीक है रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और श्री अरबिंदो। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बुक कौन से राइटर की बेस्ट है प्लीज बताएं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बुक लोगी, इशिता तुम्हारी कॉमर्स ही तो है, क्या क्या सॉन्ग सुना दिए सर, कौन सुना दिए, मैंने कौन सुनाया सॉन्ग तुम्हें अभी, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या करोगे बुक लेके यार। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, सी होगा ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है स्वामी विवेकानंद 54 का सी। आइए आगे बढ़ते हैं, अभी ये बताओ जरा ध्यान से पढ़ना और फिर बताना, जल्दीबाजी में आंसर मत देना भाई, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य रूसा का है, कौन कौन सा उद्देश्य रूसा के हैं ध्यान से बताओ, रूसा पता होना चाहिए भैया, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, बिजनेस मैनेजमेंट लगता है ना, बिजनेस मैनेजमेंट तो कौन मना कर रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट की कोई तुम्हारी उसकी ना पढ़ी है, कोई उसकी ना पढ़ी है, बीकॉम एमकॉम की ना पढ़ी है कोई, हाँ बताओ बीकॉम एमकॉम की ना पढ़ी है, 55 का बताओ। ठीक है 55 का, 55 का ठीक है 9 लखा की पढ़ी थी, ऐसे ऐसे मतलब साहित्य पब्लिकेशन की आती है वो ले लो बेस्ट बुक है, साहित्य पब्लिकेशन की देख लो, दिखाई नहीं दे रहा भाई मेरे, और कितना बढ़ाऊं भाई, क्वालिटी बढ़ाओ अपने मोबाइल की, क्वालिटी बढ़ाओ 1 मिनट, क्वालिटी बढ़ा लो, ओहो ज्योति कुमारी टाइम से आ जाया करो,
ठीक है, 55 का आपका बी है, बी में आपका क्या है, ए बी सी, ठीक है। डी क्यों नहीं है भैया? क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहीं नहीं करी गई है, कॉमर्स क्लास अभी नहीं लगाई, पहले लगी हुई है, ठीक है। हाँ अभी स्टार्ट करूंगा, यदि आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, वहां प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसे इतने पढ़ना शुरू कर दो। हाँ हिंदी मीडियम की मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी, साहित्य पब्लिकेशन की ले लो, ठीक है। चंदर भाई यदि आप अपनी स्टडी स्टार्ट करना चाहते हो तो अभी कर लीजिएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें सब बता रखा है आपको, नाफ्टा फाफ्टा सबके बारे में, ठीक है। हाँ अपने आप देख लेना, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। कौन सी बुक अच्छी रहेगी यार? बुक तो अपना पीजी का सिलेबस उठाओ, यूजी पीजी का सिलेबस उठाओ, वो ज्यादा बेस्ट है। बिल्कुल सही लगाया, 55 का आपका बी है, ठीक है, ए बी एंड सी, यानी कि बी। ओके आइए आगे बढ़ते हैं, ये तो तुम्हारा पॉलिटी का है। अब ये लगाओ भाई, पब्लिक ऑर्डर एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिगर्स इन, क्या होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या रेजिडरी पावर? बिजनेस मैनेजमेंट की, मेरे पास इसी की थी, साहित्य पब्लिकेशन की थी, वही बता आपको। साहित्य पब्लिकेशन की थी मेरे पास। और बताओ, बिल्कुल बिल्कुल, 57 का बताओ। अरे 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 अरे, ये कोई चला जाएगा चंद्र भाई, ध्यान से, 57 का ध्यान से। कंकरेंट लिस्ट में तुम्हारा एजुकेशन आता है, ठीक है, शिक्षा आती है उसमें, ये थोड़ी आता है। नाना बैसी लगाया था, ये कोई लगाया था, वो तो एजुकेशन का लगाया था, वो तो एजुकेशन का लगाया था, है ना भाई। पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर इन किस में आएगा तुम्हारा, 57 स्टेट में आएगा, ठीक है, स्टेट लिस्ट में आएगा, ये पब्लिक ऑर्डर की बात है भाई। हाँ ये एजुकेशन की बात नहीं है, पब्लिक ऑर्डर भाई है ना, सार्वजनिक आदेश की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, नहीं पता लगा लो, ठीक है, लिख लो अपने पास। ओके 57 का आपका हो जाता है बी, ठीक है, द स्टेट लिस्ट। ओके ओके आइए लगाइए 58 भाई, नीति आयोग का पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग, इन रेस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग। हाँ, 58 का बताओ। अच्छा, हाँ दे लो, बढ़िया है। ठीक है 58 का लगाओ, ठीक है 58 का बताओ ध्यान से, 58 का सही है, सही जा रहे हो संगीता मानिक, दिशा ठीक है, मेघा ठीक है आपका भी, संगीता, पूजा सोनी आ रहा है, अच्छी नहीं लगी ये बात, आज कहाँ रह गई आप, आज कहाँ रह गई, ठीक है अंशु, इशिता, हाँ ठीक है रवि, पूजा सोनी, अपना अपना जो है अटेंडेंस लगा दो, ठीक है। ठीक है भाई कौन सा होगा, 58 का आपका सी, कहाँ रह गई आज, कहाँ रह गई, 58 का सी, ठीक है, सी एंड डी। ना तो भैया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही आपका स्टैचुअरी बॉडी है, ये क्या है आपका, केवल थिंक टैंक है, ठीक है, यह एक थिंक टैंक है। घर पे भाई आए हैं काफी टाइम से, अच्छे, कल को तो आ जाओगी ना, कल को तो आ जाओगी, 58 का सी, ठीक है। ओके 59 का पढ़िएगा भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी है, फंडामेंटल। अरिहंत की बुक है, कैसी है अभी मैंने, अरे वो तो गाइड बुक है यार, गाइड बुक है वो तो गाइड बुक है, ये पढ़ो ज्योति, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी है, वो तो गाइड बुक है, उससे कैसे काम चलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, और बताओ 59 का बताओ, ठीक है फिर तुमसे कोई ना कोई चीज छूट जाएगी,
फिर परेशान होगी। 59 का बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है पूजा सोनी रिया। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, कौन सा आपका सभी है। ठीक है, द रेस्पेक्ट और टू रेस्पेक्ट द टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, भैया राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है ना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए, माता पिता के लिए अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, और स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की रक्षा करना। ठीक है, ऑल अबव। हाँ, एक बुक ले लो ऑथेंटिक यार, 59 का डी, ए बी सी एंड डी। आइए आगे बढ़ते हैं, 60 पढ़ते हैं भाई। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है कौन सा। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है, केवीएस मदान का बुक आया है फॉर पेपर वन। हाँ बढ़िया है, केवीएस मदान का बढ़िया है, पेपर वन का ले लो, बढ़िया। अभी ये बताओ आप मुझे, 60 का, 60 का, कृष्णा ठीक है, ज्योति ठीक है, सहजादी, संगीता, पूजा ठीक है, और बताओ। ठीक है, पूजा सोनी, आकाश, मेघा ठीक है। पेपर वन के प्रैक्टिस सेट के लिए है, पेपर वन को तो मैं ले लो, यूथ वाली किताब ले लो, यूथ यूथ कॉम्पिटिशन की आती है ना वो ले लो, ज्यादा बेस्ट है, क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, समझ में आ रही है। अगर यूथ कंपटीशन की मिल जाती है तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, साथ साथ सॉल्यूशन दिया है विद एग्जाम, पूरा एग्जाम्पल वगैरह साथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, 60 का बताओ, 60 का क्या होगा। ठीक है बी, ठीक है लेक्चर है ना, मूल्यों पर व्याख्यान और प्रवचन। ठीक है 60 का बी, बिल्कुल बिल्कुल 60 का बी। आइए आगे बढ़ते हैं। ओहो सताक्षी, क्या कह रही हो, बताइएगा भाई। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एम, भैया यूजीसी की स्थापना का उद्देश्य कौन कौन से, जरा ध्यान से पढ़ के बताओ। छुट्टी होने वाली है, ज्योति अपने घर जाएंगी है। बताओ 61 क्या होगा, 61 का ध्यान से पढ़ के बताओ भैया। उच्च शिक्षा में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, बी कहता है संभावित शिक्षक के संस्थानों की पहचान करना और बनाए रखना, सी कहता है शिक्षकों की क्षमता निर्माण, डी कहता है भारत में प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को सहायता प्रदान करना। बताओ प्रत्येक की बात कर रहा है, क्या ये सही है, क्या ये सही है दोस्तों। हाँ, यूथ कॉम्पिटिशन ले लो, क्या ये सही है जरा बताएं। ठीक है 61 का बताओ, 61 का बताओ क्या होगा। कोयल बिटिया जवाब तो दे दो, कहाँ गई कोयल बिटिया, जवाब दो फटाफट 61 का। कोयल ने जवाब दिया भाई, कोयल जवाब जरूर दो। ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक है ठीक है। भाई क्या है आपका, 61 का आपका सी है। ठीक है, ए बी और एंड सी, डी नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है भाई प्रत्येक की बात कर रहा है, भारत में प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को सहायता प्रदान करना, ये गड़बड़ कर गया। ठीक है ना, 61 का सी है। ठीक है 61 का सी। आइए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल संगीता जी, इशिता ठीक है। आप बताओ भाई, संसद का सत्र किसने किसके द्वारा, द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज सम्मोनेड बाई, कौन सा होगा, कौन बताएगा, मालिक भाई बताएंगे, मालिक भाई बताओ जरा। हाँ 62 का बताओ, मालिक भाई बताएंगे। हाँ प्रत्येक नहीं होगा है ना भाई, प्रत्येक नहीं होगा, 62 का बताओ, मालिक बताओ भाई, आप बता लेते हो। ठीक है, सहजादी ने निकाला, बहुत बढ़िया सहजादी, इशिता ठीक है, अनुराधा जी जरा ध्यान दो, अनुराधा और पूजा। ठीक है ठीक है ठीक है, कृष्णा, चंदर भाई जरा ध्यान दो, ज्योति ठीक है। ठीक है मेघा, और बताओ, मानिक भाई बहुत बढ़िया, काजल, काजल कहता हूँ, कोयल बहुत बढ़िया, कोयल ठीक है, संगीता।
बिल्कुल बिल्कुल नंदनी, ठीक है आपका, ठीक है अंशु, ओके ठीक है भाई। किस किस द सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज समन्ड बाई द प्रेसिडेंट, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, द प्रेसिडेंट 62 का बी। कोई अल्लाह ज्यादा होता नहीं है ना, इसलिए ध्यान नहीं आता, बताइएगा। 63 पढ़ो भैया, नैक के बारे में, क्या नैक है ना, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उच्च शिक्षा के संस्थानों में बढ़ा में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मूल्य को बढ़ावा दिया जाता है, कौन सा होगा 63 का। बताओ 63 का। बताओ फटाफट 63। ठीक है दिशा ज्योति पूजा शहजादी क्रिस्था, ठीक है रिया, ठीक है और बताओ। ठीक है मानिक, ठीक है रवि, अंशु, अनुराधा जी, ठीक है कोयल बिटिया, ठीक है और बताओ मेगा, ठीक है भाई। कौन सा आपका भी ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है डी वाला आप क्या भैया कह रहा, देखो प्रमोटिंग द है ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हुई, ठीक है 63 का आपका बी है, ए बी सी, ठीक है अब नींद आ रही है, हाँ पढ़ी 63 का बी, ए बी एंड सी, ठीक है यार पढ़ते टाइम मत देखा करो है ना। बताइए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है किसे, हाँ रवि जी का जरा, हाँ, रवि जी को जरा चाय पिला दो यार। द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी हैज बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाई, भाई असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है किसे, ठीक है 64 का। ठीक है क्रिस्ता और बताओ, संगीता ठीक है सहजादी, ओके अनुराधा, और यार अपनी तो जिंदगी हराम है, कहाँ सोना है यार, काम होते रहते हैं। ठीक है मानिक, ठीक है ज्योति, ठीक है मेघा, ठीक है और ठीक है कोयल, ठीक है चंदर, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है 64 का आपका, 64 का है ए, ठीक है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है एनजेएसी की फुल फॉर्म यदि नोट डाउन कर सकते हो कर लो अपने पास, द नेशनल जुडिशियल है ना अपॉइंटमेंट कमीशन, ओके इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया किसके, किसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है 64 का ए। आइए एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं ये वाला, ठीक है एक और लगा लेते हैं ये वाला, पढ़िएगा भाई। उच्च शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण है ना और रचनात्मक सोच क्षमताओं को बढ़ावा देना है, ऐसा सन बोला, रीजन क्या बोला भाई, इन क्षमताओं से नौकरी का स्थान सुनिश्चित होता है। अरे ऐसी बात कहा रवि जी, हाँ ठीक है 65 का। ओके ओके बताएं फटाफट 65 का बताओ, फिर छुट्टी सब अपने अपने घर जाएंगे मजे में, ठीक है 65 का बताओ। देखो यार टाइम से आ जाएगा अपने आप है ना यार, बार बार ना कहना पड़े करे भाई, देखो डेली पढ़ना है तो टाइम से आ जाए करो यार, ठीक है आपको पढ़ना है हमें पढ़ाना है यार, जब दोनों मिलेंगे तभी काम चलेगा। ऐसे शाम वाली क्लास में यार थोड़े बहुत बालक होते हैं बस, 4 बजे अपने आप आ जाए करो यार। 65 का बताओ क्या होगा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है 65 का क्या होगा भाई, क्या जो रीजन है वो सही है भाई, नौकरी का स्थान सुनिश्चित हो जाता है क्या, बिल्कुल कोयल सही लगा रही हो, ठीक है भाई 65 का आपका सी है। चलो चलते हैं भाई अपने अपने घर, ठीक है कोई बात नहीं, आज बच्चे कम आए वैसे हैं,
मिलते हैं दोस्तों कल फिर, ठीक है, शाम को 4 बजे, ठीक है, 4 बजे ही क्लास होती है। ठीक है दोस्तों, हाँ, 65 का सी है, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी को मिलते हैं दोस्तों। जेआरएफ के लिए कितने बार टॉपिक रिवीजन किए थे? बहुत से बार, 1 से 2 बार। ठीक है ठीक है ठीक है, छुट्टी, ठीक है ठीक है, टाइम से आ जाएगा। कम्युनिकेशन का पूरा, हाँ कम्युनिकेशन का पूरा करा दूंगा और ले आऊंगा कल को। ठीक है ठीक है, ओके 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 यार, लाइक नहीं किया लाइक कर देना, ठीक है, अपना भाई दे जाया करो अपना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया राजकुमार। सताक्षी कुछ भूल रही हो, कुछ भूल रही हो, देखो क्या लिखा रवि ने। ओ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मिलते हैं भाई फिर। सब्बा खैर तो याद है, जी आर एफ इज माइन, कमेंट में लिखना, ठीक है, कमेंट में लिखना सभी, कमेंट तो खुल जाता है यार, कमेंट में लिखना, ठीक है। मालिक हिंदी बहुत वीक है, इंग्लिश पढ़ते हो, हिंदी वीक है, कोई बात ना, हम तुम्हें हिंदी भी सिखाएंगे, चिंता मत करो भाई। देखो कोई भाषा हो भैया, नॉलेज जरूरी है, ठीक है। मानो तुम्हारा सिलेक्शन हमारी तरफ हो गया, फिर क्या करोगे? फिर तो पढ़ाना पड़ेगा हिंदी में, तुम्हारा सिलेक्शन हमारी तरफ को हो गया, फिर क्या करोगे? ओके ओके, या तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा कर लीजिएगा, ठीक है, हाँ, और ग्रुप ज्वाइन कर लो जाके अभी के अभी सभी, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे बात भी होती रहे हमारी, ठीक है। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ले लो। ओके 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 ओके, बिल्कुल, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, बड़ी जमाई आ रही है रवि को, ठीक है, बाय बाय सभी को। व्हाट्सएप नंबर बताएं, लो लिख लो, व्हाट्सएप नंबर लिख लो, एट 4 7 5 4 9, लो ये है राम शर्मा, राम शर्मा नाम से है ना, हाँ ये उठा लो और मैसेज कर देना, ठीक है कोयल, हाँ, नहीं तो लिंक ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, ठीक है, चाहो तो यहाँ से व्हाट्सएप कर दो, मेरा नंबर है, ठीक है, हाँ इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, ओके ओके, बाय बाय।